कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है थोड़ी सी, क्योंकि मैं भी एयरपोर्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं स्काईलाइन से आया था एंड स्काईलाइन पे मैंने फेस रिवील ब्लॉग भी डाल दिया। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फेस रिवील वाली यार एक मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दे दूंगा। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काई स्पोर्ट्स को लेकर, तो उसके विनर हमारे को देखने को मिले थे ब्लाइंड स्पोर्ट्स। एंड सेकंड पे हमारे को रेवेनेंट स्पोर्ट्स देखने को मिली। एंड थर्ड पे ओआर स्पोर्ट्स, एंड जो सेंस है वो काफी ज्यादा हमारे को इमोशनल भी देखने को मिले। एंड इसके बाद जो सोल है वो हमारे को #4 देखने को मिली थी। तो जो गोल्डी भाई उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया, जहाँ पे उन्होंने लिखा था #4 नॉट द रिजल्ट वी एक्सपेक्टेड वुड हैव बीन बेटर, जहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्होंने एंड मॉर्टल ने प्रॉमिस किया है कि जो रिजल्ट है वो कहाँ पे लैक किया वो उस चीज पे वर्क करने वाले हैं। एंड उनका जो मैसेजेस है वो आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो मॉर्टल है उन्होंने भी इस पे रिएक्ट करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। एंड इसके बाद जो सिट भाई है उन्होंने एक ब्लॉग डाला, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि ये चीज एड्रेस करनी जरूरी है, उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक After BJS, this was still a respectable performance, but वही है कि we could have done better. I think मतलब ठीक है, but fourth is not, ऐसा नहीं कि एकदम ही खराब है. Should have capitalized in games जहाँ पे blind जल्दी मरा था. Second का तो मैं सोच ही नहीं रहा था bro, मतलब बहुत लोग यार मेरे को टैक्स वैक्स कर रहे हैं कि second तो आ जाते. मैं आप लोग को genuinely एक बता रहा हूँ, मेरा वैसा thought process कभी है नहीं और ना कभी life में रहेगा. मेरे को नहीं लगता सेकंड और 15th और 16th में कोई फर्क है. तो जब तक मैं हूँ, अगर इम्पॉसिबल है कि 50-60 पॉइंट चाहिए एक गेम में तो ठीक है, बट जब तक मैं हूँ सेकंड के लिए तो हम लोग कभी भी नहीं खेलेंगे. तो दो गेम भी बाकी और 40 का अगर डिफरेंस है तो फर्स्ट पॉसिबल होता है, डेफिनेटली पॉसिबल होता है. तो मेरी टीम तो हमेशा उसी के लिए खेलेगी. तो बहुत लोग मेरे को टैग कर रहे कि सेकंड के लिए तो खेल लेते हैं, नहीं हो सकता वो मेरा माइंडसेट कभी है नहीं ना कभी रहेगा कोई भी टीम कोई भी प्लेयर्स का. आई थिंक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस था ओवरऑल. अब थ्रस्ट है अभी एक दिन के गैप के बाद. Hopefully we do better in Uptrust after this. Disappointed, but not as much as I was at BGIS. Again, some clear repetitive mistakes, I guess. Hopefully the team figures it out, क्योंकि I can't improve the way they play, unfortunately. इसके बाद जो Uptrust का event है उसके लिए हमारे को 8 bit के अंदर एक new edition देखने को मिली Insane हर्ष की, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड इसके बाद में जो स्प्रे गॉड है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई, जहाँ पे उन्होंने बताया था ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे को मार्को से रिलेटेड कुछ लीक्स वगैरह मिली है कि वो अपने लाइनअप को डिसबैंड करने वाले हैं. सारे प्लेयर्स हमारे को दूसरी और ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे, उनका जो लाइनअप है वो डिसबैंड होने वाला है. एंड इसके बाद बात करें हम मैक्स काश के बारे में, जो कि हमारे को उसका स्पोर्ट्स के लिए जाते हुए दिखाई दिए थे न्यूमन में. तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो टीम से रिलेटेड रूल से रिलेटेड बहुत जल्दी अपडेट देने वाले हैं एंड बहुत अच्छा होने वाला है. उनकी स्टोरी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या अपडेट रहती है. एंड जो क्लच गॉड है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि काफी टाइम बाद वो अपने आप को एक डोमिनेट करते हुए देख रहे हैं, एंड वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख लो. इसके बाद जो एनिग्मा के सलमान है उन्होंने बात करी थी आईफ्लिक के बारे में. एंड आप लोगों को भी पता ही है बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया था आईफ्लिक को, तो इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये सोल अमित या फिर मायावी को मिलना चाहिए था. एंड इसके ऊपर उन्होंने एक्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं. लास्ट टाइम वादी को दे दिया, ठीक है, क्या रीजन पे? वादी भी HH का मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 80% कोई इवेंट में HH क्वालिफाइनल्स में दिखती नहीं है. तो ई स्पोर्ट्स ईयर ऑफ द अवार्ड कैसे मिलना चाहिए? अभी अगर 2022 के बेसिस पे देखा जाएगा तो लैंड ट्रॉफी तुमने उठाई थी, BJS सोल अमित ने उठाया था, और HH तो मुझे कहीं दिखी नहीं थी. तो कोई पॉइंट नहीं लगा मेरे को वो HH को मतलब आईफ्लिक को ई स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर मिलने का. अमित को मिलता या तुमको तो मतलब फ्लिक से कोई पर्सनल ये नहीं है, बट समझ ही नहीं आया. इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है कि जो अक्षत है वो हमारे को सेकंड डे पे खेलते हुए नहीं दिखा दिए थे टीम सूट से, इसका रीजन किसी को नहीं पता था. इसके ऊपर जो अमित भाई है उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला आप लोग देख लो. क्योंकि मतलब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अक्षत का खुद का डिसीजन है. कम्फर्टेबल नहीं था फोन उसको, जस्ट लैंड पे मिला तो सीन हाथ हाथ बैठने वाला सीन था. बाकी प्लेयर्स का बैठा है तो वो खेलेंगे, उसने खुद ही स्टेप डाउन किया को खिला लो मेरे से नहीं हो पा रहा है. तो उसको अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं समझ रहा हूँ उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि वो खुद आगे का एक्सेप्ट कर लिया कि यार मेरे से सही बात है. अभी उसका हाथ नहीं बैठा है तो उसको प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो. बात करें स्नैक्स के बारे में तो काफी लोग उनको बोल रहे थे कि आप रील्स वगैरह बनाते हो लेकिन ई स्पोर्ट्स में कम बैक वगैरह नहीं कर रहे हो, तो आप लोग रील पे फोकस कर रहे हैं. काफी लोग उनको इस चीज से रिलेटेड ट्रोल वगैरह भी कर रहे थे. इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं. भाई तू छोड़ दे स्पोर्ट्स, तेरे से नहीं होगा, तू बस रील बना. अरे मैं जो भी करूंगा यार, मैं रील बनाऊ, मैं कुछ भी करूं, एट द एंड भाई मैं खुश हूं. आई एम सुपर हैप्पी भाई. आप मेरे से खुश नहीं दिख रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं. आप जिस जो खेल रहा है स्पोर्ट्स उसको जाके सपोर्ट करो यार. लैन हो रहे कल भाई, देखा मैंने ब्लाइंड वाइंड भयंकर खेले. जाओ यार उनको प्यार दिखाओ, डिजर्विंग बंदे.
इतना डोमिनेटिंग डोमिनेट करके जीते, उनको प्यार दिखाओ यार। मैं क्या, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ भाई, मैं सेटिस्फाइड हूँ। एंड मैं मेरी ऑडियंस को, मेरी स्नैक्स आर्मी को मैं खुश रख रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ। तो तू कौन है, क्यों चैट में, मेरे को मालूम नहीं। आप यू कैन गो ब्रदर वेयर एवर यू, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, जो भी करना है मैं करूंगा। रील बनाऊंगा, फोटो डालूंगा, गेम खेलूंगा, स्क्रिम्स खेलूंगा, स्टार स्पोर्ट्स ऑफिस जाऊंगा, वर्ल्ड कप पे टीवी पे आऊंगा जहाँ पे तेरे मम्मी पापा बैठ के देख रहे होंगे मेरे को, और आईसीसी के साथ काम करूंगा, उन क्रिकेटर्स के साथ काम करूंगा जिनको तू टीवी पे देखता है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ यार उनके साथ रील बना रहा हूँ, तो मैं मजे कर रहा हूँ भाई, मेरी लाइफ जबरदस्त चल रही है, टच वुड भाई, मेहनत कर रहा हूँ, किस्मत चल रही है साथ में, पापा का आशीर्वाद है, स्नैक्स आर्मी का प्यार है। तेरे को जो करना है कर भाई, तेरे को जिसको देखना है देख, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। के बाद यार काफी लोगों को लग रहा था कि अब हमारे को कोई लाइन इवेंट देखने को नहीं मिलने वाला है लंबे टाइम के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बताइए कल से हमारे को अपथ्रस्ट का इवेंट जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके बाद हमारे को 18th को रेड बुल का भी एक लाइन इवेंट देखने को मिलने वाला है, एंड बेसिकली वो हमारे को एक दिन का देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ BMPS के बारे में, तो BMPS से रिलेटेड भी मेरे को कुछ लीक्स वगैरह मिली थी कि वो भी बहुत ही जल्दी हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, एंड आप लोगों ने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड मेरे को जब परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। तो बस यार के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।